पब्लिक टीवी आपकी आवाज। चैत्र नवरात्र के नौवें दिन श्रद्धालुओं ने मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। कन्या पूजन कर नवरात्र व्रत का समापन हुआ। वहीं श्री राम नवमी पर्व को लेकर भी जिले भर में धार्मिक आयोजनों की धूम रही। सुबह श्रद्धालुओं ने मां सिद्धिदात्री की पूजा करने के साथ ही कन्या पूजन भी किया। इसके साथ ही श्री राम नवमी पर्व पर श्रद्धालुओं ने घर और दुकानों पर धर्म ध्वजा लहराया। इस अवसर पर मनोकामना श्री हनुमान मंदिर में भी सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम विधि विधान के साथ हवन यज्ञ कराया गया। उसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया। पूर्ण विधि विधान के साथ हवन संपन्न होने के बाद विशाल भंडारा हुआ, जिसमें भक्तगणों ने हजारों की तादाद में इकट्ठा होकर एक साथ प्रसाद चखा। मैं मनोकामना श्री हनुमान मंदिर से बिल्लू कत्याल आज नवमी के दिन महानगर वासियों को मंदिर समिति की तरफ से बहुत बहुत बधाई। मनोकामना श्री हनुमान मंदिर में 9 तारीख से सुबह प्रतिदिन 9 बजे से 11 बजे तक यज्ञ का आयोजन कमेटी द्वारा किया गया तथा साय 4 बजे से 6 बजे तक महिला संकीर्तन का प्रोग्राम प्रतिदिन हुआ तथा आज नवमी वाले दिन सुबह 10 बजे से हवन शुरू किया गया है। उसके उपरांत कन्या पूजन किया गया। कई 251 कन्याओं को कमेटी द्वारा प्लेट स्टील की उसमें प्रसाद के रूप में वितरण किया गया तथा 1 बजे से भंडारे का आयोजन किया गया तथा श्रद्धालुओं ने बहुत अधिक संख्या में आके धर्म लाभ उठाया। धन्यवाद। रोमांचक होते हैं, मंदिर में बहुत श्रद्धालु आते हैं और पूजा पाठ बहुत श्रद्धा से करते हैं। क्या कैसा माहौल रहता है? माता की भेंटें होती हैं, माता का होता है, जागरण होता है और बहुत ज़्यादा आवागमन रहता है मंदिर में और सब अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मनोकामना मंदिर में पूरे नौ दिन श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। सुबह प्रतिदिन हवन और शाम को महिला संगीत का कीर्तन किया जाता है। अब आज नवमी का दिन है, आज का कार्यक्रम आज सुबह 10 बजे से मंदिर सुबह 6 बजे खुल गया था, आज सुबह 10 बजे से 1 बजे तक हवन का आयोजन किया जाएगा तथा 1 बजे के बाद श्रद्धालुओं के लिए भंडारा का आयोजन किया गया है तथा करीब 251 कन्याओं को प्रसाद वितरण अलग से दिया जाएगा। पहले तो महानगर वासियों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये हनुमान मंदिर मनोकामना श्री हनुमान मंदिर पे 9 दिन तक यज्ञ चलता है, जिसमें पूरे दिन कोई ना कोई यजमान बैठा ला जाता है और श्रद्धा से सब लोग इसमें जो है यज्ञ में भाग लेते हैं। आज नवमी का दिन है, आज सुबह से ही हवन का आयोजन हो रहा है, इसके बाद 1 बजे से प्रसाद एवं भंडारे का वितरण किया जाएगा और रात को हलवा और चने का प्रसाद का वितरण होता है नवमी के दिन। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।